अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं सूरह ज़लज़ल। अस्सलामु अलैकुम। अब हम शुरू कर रहे हैं सूरह ज़लज़ल के ऊपर। सूरह ज़लज़ल जो है, ज़लज़ला वैसे भी एक लफ्ज़ है, ज़लज़ला नहीं आता जब हर चीज़ हिल जाती है, बिल्कुल झंझोड़ देना, हिला देना। तो इस सूरत का नाम ज़लज़ल है। ये क़यामत का मंज़र दिखाया जा रहा है, जब ऐसा एक भूचाल आएगा जिसके अंदर सब कुछ, यानी ये हिल जाएगा, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो वहाँ पर ये बयान के से हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो भी अमाल थे, यानी जब हम ज़मीन से जब उठेंगे, हम अब ज़मीन अपना जब बोझ निकालेगी, यानी जो कुछ भी है, क़यामत जब आएगी, जो कुछ ज़मीन वो उगल देगी, और जब हम उठेंगे तो वहाँ हमारे, यानी हमारी जो भी अमाल थे, हमारे सामने रख दिए जाएंगे। यानी कोई चीज़ उस दिन किसी की छुपेगी नहीं, हर चीज़ आयाँ हो जाएगी। और उस दिन अल्लाह ताला अमालों के जब बदले लौटाएंगे, तो वहाँ ये बात इसमें ख़ास तौर पर बताई जा रही है कि अल्लाह ताला मिसकाल ज़रतिन खैरन यरा व मिसकाल ज़रतिन शरन यरा वाली बात जो है ना इस सूरत के अंदर, ये हमें वजाहत करती है कि ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। यानी वो और बात है कि अल्लाह ताला से हम तायब रहते हैं और अल्लाह हमारी तौबा भी कबूल करता है, लेकिन जो अमल करते रहे, जिसके हम आदी हैं, और उसका कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा, मतलब ये है, यानी ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। बहुत वाज़े आयत है, यानी यहाँ अगर गौर किया जाए तो हमें एक चीज़ पता चल रही है कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। हम अमूमन कहते हैं कि हमारे में फ़लाने बुज़ुर्ग बचा लेंगे, फ़लाने पीर बचा लेंगे, या कोई हमें दोज़ख से निकलवा के जन्नत में डाल देगा। ये पिछले यहूदियों का कॉन्सेप्ट था, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि यहाँ कहा जा रहा है ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। तो अब इस सूरत को हम शुरू करते हैं। ये भी 8 आयतों वाली है। इज़ा ज़ुलज़िलतुल अर्ज़ु ज़लज़ालहा। अच्छा, इज़ा हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, यानी कि जब। अब हम चल रहे हैं ज़लज़ले से, यानी ज़ुलज़िलाती, यानी जब वो झंझोड़ दी जाए या हिला दी जाए, यानी ज़लज़ला कौन, ज़ुलज़िलतुल अर्ज़, ज़मीन की बात हुई, जब ज़मीन जो है झंझोड़ दी जाएगी, हिला दी जाएगी, ज़लज़ालहा, ज़लज़ले से यानी झंझोड़ने से, यानी ज़मीन जब पूरी हिल जाएगी हिलाने से, वाली बात हो गई है, यानी ज़लज़ला आएगा तो ज़मीन हिल जाएगी। अब ये अर्थ का मतलब भी ज़मीन होता है, ज़लज़ला उमन हम कहते ही हैं, तो ज़लज़लत और ज़लज़ालहा, ये दोनों हिलाने के सेंस में, ज़लज़ले के सेंस में है। तो आसान तर्जुमा है बहुत ज़्यादा, जब ज़मीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी। अब दो दफ़ा ज़लज़ले की बात हो रही, तो तर्जुमे ने कहा पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी, यानी यहाँ ज़मीन का लफ्ज़ भी आ गया, हिलने की बात आ गई, और पूरा मुकम्मल। तो उसके लिए उन्होंने दो ज़लज़ले को एक बना के बता दिया कि जब ज़मीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी। वह अखराजतिल अर्ज़ उस्खालहा। अब ये वा और अखराजति, यानी खारिज करना, अखराजति खारिज करेगी कौन, अखराजतिल अर्ज़, ज़मीन खारिज कर देगी। इस्कालुहा, सकल बोझ को कहते हैं, इस्कालुहा जो भी उसका बोझ होगा, यानी जो कुछ उसके अंदर है सब निकाल बाहर फेंकेगी। अखराजित, अखराजतिल, अखराजत कह देते हैं, वो आगे उसके साथ मिल जाएगा अर्थ के साथ। अर्थ ज़मीन को कहते हैं, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अखराजत यानी खारिज करेगी, जब खारिज करेगी अर्थ ज़मीन को कहते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी खारिज करेगी ज़मीन। अच्छा, इसका रूट चाहे तो हम लिख लेते हैं, बल्कि इसका रूट खरज होगा ना, इसका रूट खे रे और जीम। इस रूट को जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि अगर खरज के और कौन कौन से अल्फाज हैं, अखराजती है या और किस सेंस में आ रहा है, वो हम जब उस पर पहुँचेंगे उस प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह हम उसके मुख्तलिफ शक्लें भी देखेंगे। वकाल इंसान मालहा, वका और कहेगा इंसान मालहा, अब इसको हम,
अब यहाँ पर माँ जो है वो क्या के सेंस में आए हैं? लहा, हाँ इसमें इशारी है, तो इसमें इशारी है, यानी इसको आसान अल्फाज में क्या आपको समझाऊँ, यानी इसको यूँ समझें कि ठहर जाए, जैसे नहीं कहते कि क्या हो गया है, मा लहा क्या हो गया है, तो ली माने वास्ते होता है, हाँ उसके लिए, यानी उसके लिए क्या है, यानी लफ्जी माने तो ये मान रहे इंसान कहेगा इसके लिए क्या है, लेकिन जिसको हम ये कहेंगे कि इसको क्या हो गया है, ज़मीन को आज क्या हो गया है। अच्छा, ये अरबी में एक दो जगह इस तरह आपको आएंगी कि माने ये बनते होंगे, लेकिन जिस तरह मैंने ली मन, मन माने तो कौन होता है, ठीक है, यानी वहाँ हम क्या कह रहे हैं कि किसके लिए वाली बात है, तो इस तरह के कुछ जुमले आएंगे, तो यानी वैसे भी हम उर्दू में कौन के लिए, अब ये जुमला अगर बोले हम अरबी का है, हम उर्दू में कहते हैं किसके लिए, अब वो कौन के लिए लिखते और समझते उसको किसके लिए, तो लहा का भी इसी तरह से कि इसे क्या हो गया है। यानी ये वैसे तर्जुमा लफ्ज़ ये बनेगा उसके लिए, अब माँ है उसके लिए क्या है, यानी क्या हो गया उसको, बे अन्ना रब्बा का औहा लहा, इसकी सेंटेक्स में जाते हैं, बी अन्ना ये है, जैसे हम इन्ना पढ़ते थे बेशक, ये अन्ना है, ये होता है बिकॉज, क्योंकि, या वाई, क्योंकि किस तरह लिखेंगे, क्योंकि बी अन्ना, ये हर्फ का मतलब होता है क्योंकि, बी अन्ना रब्बा का, अब ये रब्बा का है, का मुखातिब के लिए, यानी तुम्हारा आपका तेरा, तो क्या बन गया, क्योंकि आपके रब ने ओहा वही की लहा इसे, यानी इसके लिए वही की, किसके लिए, ज़मीन के लिए, कि वो जो सब निकाल फेंक रही है ना, तो इंसान कहेगा इसको क्या हो गया, तो क्यों, या आप बता रहे हैं कि अन्ना रब्बा का वाला, क्योंकि अल्लाह ने इसको ये वही की है, ये अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म मिला है कि वो ऐसा करे, वो इसलिए ऐसी कर रही है। इसके बाद छठी आयत में बहुत खूबसूरत वजाहत मिल रही है हमें, अब यौम आज़िन, यानी दिस डे या दैट डे, यौम कहते हैं दिन को, यौम आज़िन जब भी आएगा तो उसका मतलब है कि उस दिन वाली बात है, यानी ज़्यादातर क़्यामत के उसमें यौम आज़िन जब आएगा, इस तरह आपको बहुत कई जगह मिलेगा कुरान में, यौम आज़िन यानी उस दिन ऐसा होगा, यौम यज़दुरु, यौम यज़दुरु नास, उस दिन इंसान लौटेंगे, नास लोग लौटेंगे, अश्ताता अलग अलग, ये शत्ता या शत्ता भी लफ्ज़ आता है और अश्तात भी कहते हैं, बाल इसका रूट है शतत, शीन ते ते, अश्तातन आगे वो अगर लाम किया है थे, अश्तातल लियुरो, अश्तातल लियुरो,
ताकि वो दिखाए जाए। अब ये यरा से है, यरू लियरू, कि ताकि वो दिखाए जाए। अष्टातल लियरू बिल्ली वास्ते यरऊ, यरऊ लफ्ज़ है, ली का मतलब होता है ये हर्फ में आता है, मैंने पूरा लिख दिया है, ये बल्कि इसको हटा देते हैं, यरऊ लिखते हैं खाली। यरऊ का मतलब होता है दिखाया जाए, दिखाया अच्छा ये जो रा लफ्ज़ है रा, और उसको रूट के हिसाब से रा ही लिखते हैं, ये पहले भी आ चुका है और ये कई दफ़ा आएगा, इसके ऊपर ज़रा आपने नज़र रखनी है। ये यरा यरू नरा तरा इस तरह के जितने रा के साथ लफ्ज़ आ रहे हैं ना, जिसके अंदर रा के ऊपर जोर है, ये इसका रूट बनता है राई, और ये दिखाना देखना दिखाने के सेंस में आता है। अब ली का मतलब वास्ते, ताकि या वास्ते या लिए, यानी इसलिए कि वो दिखाए जाएँ। यरो आमालहुम, क्या दिखाए जाएँ, कि वो दिखाए जाएँ उनके अमाल, अपने अमाल, अमाल का मतलब अमाल ही हो गया, हम उन सब की बात हो रही, जमा का सीखा है, यानी वो अपने अमाल दिखाएँ, इसलिए हो रहा है कि वो अपने अमाल दिखाएँ सबब, यानी उस रोज़ मुख्तलिफ जमातें होकर लोग लौटेंगे, ठीक है, और उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएंगे। अब ये जमातों का आगे जब हम पढ़ते रहेंगे कुरान, तो हमें आगे इसकी वजाहत मज़ीद मिलेगी कि वो जो तीन दर्जे जमातों के बनेंगे ना, वो अल्लाह ताला, वो एक एक होगा आगे वाले, फिर साबिकून भी होंगे जो सबकत ले जाने वाले में, तो वो तीन ग्रुप हम आगे कुरान में जब आएगा तो पढ़ेंगे, तो ये वही जमातों की बात हो रही है, यानी दर्जे बनेंगे उनके, अमालों के हिसाब से दर्जे बना दिए जाएंगे, ताकि वो दिखाए जाएँ उनके अमाल, इसलिए अल्लाह ताला उनके दर्जे बना देगा कि किस कैटेगरी में। फ़मैया अमल मिसकाल ज़रतिन खैरन यरा, हाँ फ़मैया अमल मिसकाल ज़रतिन शर्रन यरा। अब ये जो असल मुद्दा है कि जो समझने वाला इस सूरह के अंदर, वो ये है कि हमें ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना है। जो बात बहुत अहम है वो ये है अब देखो यहाँ फा और मन ये दो लफ्ज़ आ रहे हैं, ये दोनों मिलके बन गया फामन। फा का मतलब पस या फिर, हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर मन, फिर कौन, इसका वैसे तो बनता है फिर कौन, लेकिन रवां तर्जुमे में उसको क्या कहेंगे, फिर कोई या फिर कौन की जगह हम फिर कोई कर सकते हैं, फिर जो कोई कह लें, या अमल, जो कोई अमल करेगा, या अमल। अब ये यातान का या है, मैं अमल सही लफ्ज़ इसका अमल है, रूट अमल उर्दू का लफ्ज़, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कि फिर जो कोई अमल करेगा, मिसकाला, मिसकाला सकल से है, सकल वैसे वज़न को कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा वज़नी कोई चीज़ होती है, कहते हैं बड़ा सकील है ये, कहने के ये चीज़ बड़ी, मतलब मेरे लिए बड़ी, ये मसला मेरे लिए बड़ा सकील है, यानी मेरे लिए बड़ा वज़नी है ये मसला, तो ये सकल से मिसकाल है, ये मफूली हालत है इसकी, यानी जो कोई भी अमल करेगा, वज़नी अमल करेगा, यानी अच्छे, जिसके अमल अच्छे होंगे, भारी होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे, मिसकाल ज़र्रत, ज़र्रा का तर्जुमा उर्दू में भी ज़र्रा ही है। खैरई, खैरई यरा, यरा फिर आगे भी यरा आ गया, यरा का मतलब देखना, अभी हम लिख चुके हैं ये, यानी वो भलाई देखेगा, जो ज़र्रा बराबर भी अच्छा अमल करेगा वो उसकी भलाई देखेगा। फिर अगली आयत के अंदर जो बात कही जा रही है, वो मई या अमल, और जो कोई या अमल अमल करेगा, मिसकाला फिर वही भारी वाली ज़र्रत, सॉरी हाँ, यहाँ शर का लफ्ज़ है ना, खैर ही रहा, यहाँ शर ही रहा, और जो जिसका वज़न होगा किस में, ज़र्रा बराबरी शर, शर में, तो जो कोई ज़र्रा बराबर खैर करेगा तो वो खैर वो देखेगा, और जो कोई ज़र्रा बराबर शर करेगा तो वो भी देखेगा, यानी जो हमारे अमाल जो लिखे जा रहे हैं वो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लिखा जा रहा है, और ज़र्रा ज़र्रा उस दिन हमारे सामने खोल के रख दिया जाएगा।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने अमलों को बेहतर से बेहतर बनाएं, और आखिरत की तैयारी करने में ये भी सोचें कि हम अगर कोई छोटा सा भी अमल गलत कर रहे हैं या किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो लिखा जा रहा है, और उस दिन हमारा एक एक चीज़ का हिसाब होगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। वो आगे जो हम लोग अक्सर कहते हैं ना, फलाना बख्शिश हो जाएगी, शफात हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये देखिए ये यहाँ पर वाज़े हो रहा है कि ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा, उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, फिर जब हम वो सूरतें पढ़ेंगे जिसमें शफात की बात है तो हमें यही पता चलेगा कहाँ से शफात आई है। ठीक है, कुरान में आ गया शफात का जब मौजू आएगा तो देखेंगे, लेकिन इस सूरत के अंदर ज़र्रे ज़र्रे का हमें हिसाब निपटाना है, हम बच नहीं सकते। चलिए दो सूरतें काफ़ी है मेरे ख्याल है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। यानी आठ आयतें हमने वो पढ़ी और आठ ये 16 आयतें पढ़ ली हमने, अब आठ वाली 9 वाली आएंगी वो भी दो कर लेंगे, फिर जैसे जैसे होती जाएगी बढ़ी आएंगी तो इंशाल्लाह फिर एक पे आ जाएंगे, फिर उसको चलाते रहेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।